हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप आसानी से किसी भी फ़ोटो के बैकग्राउंड को किस तरीके से आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। और इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों से कमेंट आ रहा था और लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर, जो आप वीडियो में फ़ोटो यूज़ करते हैं तो उस फ़ोटो का बैकग्राउंड किस तरीके से आप चेंज करके अपने मोबाइल में यूज़ करके अपने वीडियो को एक प्रोफेशनल की तरीके से यूज़ करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बस यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप आसानी से किसी भी फ़ोटो के बैकग्राउंड को किस तरीके से आप चेंज करके अपने वीडियो में यूज़ करके वीडियो को एक प्रोफेशनल की तरीके से आप बना सकते हैं। और अगर आप मेरे वीडियो को ये पहली बार देख रहे हैं तो चलिए एग्जांपल के लिए मैं आप सभी को यहाँ पे दिखा देता हूँ स्क्रीन पे ही। देखिए, यहाँ पे ये मेरा ओरिजिनल फ़ोटो है और इस ओरिजिनल फ़ोटो के बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे चेंज करके लगाया हूँ। तो यहाँ पे खुद आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोफेशनल आपको देखने को मिल रहा है, कौन सा अनप्रोफेशनल देखने को मिल रहा है। आप कमेंट करके हमें ज़रूर से बताएं कि कौन सा प्रोफेशनल आपको देखने को मिल रहा है और कौन सा अनप्रोफेशनल आपको देखने को मिल रहा है। सो चलिए यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर अनप्रोफेशनल की तरह दिख रहा है, बट यहाँ पर देखिए, ये बैकग्राउंड जब मैंने चेंज करके यहाँ पर लगाया है तो एकदम ये प्रोफेशनल की तरीके से दिख रहा है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप आसानी से इस तरीके से फ़ोटो का यूज़ करके अपने वीडियो को अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल की तरीके से बना सकते हैं। और इस वीडियो में मैं ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताया हूं जो 90% यूट्यूबर इसी एप्लीकेशन का यूज़ करके अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड को चेंज करते हैं और यह एप्लीकेशन जेन्युइन है और बिल्कुल सेफ़ है। और इस वीडियो में मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, तो इसके लिए आपको यह वीडियो कम्प्लीट देखना होगा बिना स्किप किए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। सो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और इस एप्लीकेशन का पूरा नाम है बैकग्राउंड इरेजर। अभी देखिए, यहाँ पे बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है। सो चलिए इसके बाद से मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करके मैं आप सभी को बताता हूँ कि किस तरीके से आप आसानी से किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, यानी PNG में बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इस एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं ओपन करूँगा तो देखिए, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा और उसके बाद से देखिए, यहाँ पर इसका फुल नेम आपको देखने को मिल रहा है, बैकग्राउंड इरेजर। कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद से देखें, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे लिखा है हाउ टू यूज़, यानी इसके बारे में आपको पता करना है कि कैसे इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप पता लगा सकते हैं। और उसके बाद से देखें, यहाँ पर कोई भी आपको क्वेश्चन करना है तो आप आसानी से इस पर क्लिक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद से देखें, यहाँ पर तीसरे नंबर पर है लोड ए फ़ोटो, यानी यहाँ पर हम क्लिक करके आसानी से किसी भी फ़ोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद से आसानी से उस फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करके और इसे ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए, यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद से जो भी आप फ़ोटो गैलरी में रखे हैं जिसका बैकग्राउंड आपको चेंज करना है, आप सिंपली उसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करके आप आसानी से उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद से मैं इस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ सेलेक्ट करके, और इस फ़ोटो का मैं बैकग्राउंड चेंज करके मैं आप सभी को दिखाता हूं। तो चलिए इस फ़ोटो पर मैं क्लिक कर देता हूं। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखें, यहां पे कुछ इस टाइप से ये ओपन हो जाएगा और उसके बाद से देखें, यहां ऊपर में आपको कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद से देखें, यहां नीचे में आपको कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पर देखिए क्रॉप करने के लिए बोल रहा है। अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। सपोज करिए आपको यहाँ से क्रॉप करना है तो इस साइड से कर देंगे तो देखिए, यहाँ से इस साइड से इतना कट जाएगा और उसके बाद से यहाँ से अगर आप क्रॉप करते हैं तो यहाँ से कट जाएगा। और उसके बाद से देखिए, आपको क्या करना होगा, इस डन वाले पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे इस डन वाले पे क्लिक करेंगे तो देखिए, यहाँ पे कुछ स्टेप से ये ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद से आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पर देखिए आपको एक्सट्रैक्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ऑटो, मैजिक, मैनुअल, रिपेयर, जूम। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए ऑटो वाले पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद से देखिए, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। सो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसे स्क्रॉल करके और जहाँ ये बैकग्राउंड आपका रहेगा उस बैकग्राउंड पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं इसे छोड़ देता हूँ। जैसे मैं छोड़ूंगा तो देखिए, यहाँ पर कुछ हद तक यहाँ से रिमूव हो गया है बैकग्राउंड। और ऐसे ही आप आसानी से जहाँ जहाँ बैकग्राउंड है वहाँ वहाँ छोड़ेंगे तो यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव होता जाएगा। सो चलिए यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से
चेक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो नीला कलर का बैकग्राउंड था वो ऑलमोस्ट यहाँ से रिमूव हो गया है, बट अभी यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारा ये बैकग्राउंड जो है अभी सही से यहाँ पे रिमूव नहीं हुआ है। तो इसे रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है मैनुअल का, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये इरेज हो जाएगा। सो यहाँ पे सही करने के लिए, दोबारा से अंडू करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो वो सही हो जाएगा, यानी दोबारा से जिस फॉर्म में था उस फॉर्म में आ जाएगा। अब इसके बाद से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद से देखिए अभी ये इरेज करने की जो साइज है ये छोटी है, तो इसे बड़ा करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे लिखा है मैनुअल साइज, तो यहाँ अभी जो साइज है इसका 15 है, तो यहाँ से हम इंक्रीज़ कर लेंगे। जैसे इंक्रीज़ करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सो अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इस फोटो को जूम करना होगा। जैसे जूम करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो बैकग्राउंड था थोड़ा यहाँ पे बड़े साइज में आ जाएगा, तो यहाँ पे आसानी होता है इरेज़ करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए हम लेके जाएंगे तो ये इरेज़ होता चला जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आप आसानी से इसे इरेज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी ये शेडो आपको देखने को मिल रहा है, यानी बैकग्राउंड अभी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इसे रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, दोबारा से ऑटो वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे ला के छोड़ देंगे। जैसे छोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक जो बैकग्राउंड था वो रिमूव हो जाएगा यहाँ से। अब इसके बाद से देखिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। करने के बाद से देखिए अभी भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे ये लाइनिंग। तो इस लाइनिंग को ख़त्म करने के लिए आपको दोबारा से इस मैनुअल वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से देखिए अभी दोबारा से आप क्या करेंगे, इसे जूम कर देंगे। जूम करने के बाद से देखिए यहाँ पे जो लाइनिंग है हम यहाँ से आराम से इसे रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से ये रिमूव हो रहा है, इरेज़ हो रहा है। तो आसानी से हम इस तरीके से यहाँ से जो बैकग्राउंड है इसे इरेज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सही तरीके से इरेज हो रहा है। और अगर सपोज़ करिए कि आपने यहाँ पे इसे रिमूव कर दिया गलती से और दोबारा से उसी फॉर्म में लेके आना है, तो सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दोबारा से उसी फॉर्म में आ जाएगा जैसे पहले था। सो इस तरीके से आप आसानी से यहाँ पे इरेज कर सकते हैं बैकग्राउंड को। तो देखिए यहाँ पे मैं इसे जल्दी जल्दी इरेज करके फाइनल मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो देखिए यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे इरेज करके मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो आप जल्दी नहीं करिएगा, आप आराम से करिएगा ताकि आपका फ़ोटो जो है बहुत ही अच्छा आए। तो देखिए यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आप सभी को करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो फाइनल देखिए यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड को अच्छी तरीके से इरेज़ कर लिया है। अब इसके बाद से इस फोटो को सेव करना है, तो सेव करने के लिए देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है डन, इस वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद से देखें यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है सेव वाला, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर सेविंग होना स्टार्ट हो गया, और उसके बाद से देखें यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सेव सक्सेसफुली, यानी ये सेव हो गया है गैलरी में। सो फाइनली आई होप अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप आसानी से इस एप्लीकेशन का यूज करके आप आसानी से किसी भी फोटो के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, और फोटो के बैकग्राउंड को चेंज करने के बाद से उस फोटो को अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं, और वीडियो में यूज करने के बाद से उस वीडियो को एकदम एक प्रोफेशनल की तरीके से आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। सो फाइनली अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले और वो भी आसानी से अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड को चेंज कर पाएँ। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन होगा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।